How are you? All good. So yesterday we had some इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, उसके ऊपर है हम. और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर हमने बहुत सारी चीजें कवर अप कर दी है, जैसे कि चार्ज हो गया, करंट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ठीक है, सीरीज पैरेलल के खास करके इक्वेशंस, और वो हमने सॉल्व किए हुए हैं. ठीक है, आज हम ये चैप्टर को खत्म करेंगे, देन आफ्टर मैग्नेटिज्म के अंदर जाएंगे. मैग्नेटिज्म एक बहुत छोटा चैप्टर है, तो उसके अंदर इतना ज्यादा डिटेल्स की बातें होती नहीं है. इलेक्ट्रिसिटी एक आपका चैप्टर ऐसा है जहां पे आपको थोड़ी दिक्कतें हो सकती है, सो आई विश कि आप उसको थोड़ा और इजीली प्रैक्टिस कर सको उसकी अच्छे से, तो आप लोगों को ये चीज का बहुत बेनिफिट्स होगा आपकी बोर्ड्स एग्जाम में. जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे न्यूमेरिकल्स की, वही चीजें बेटा आपकी मार्क्स में रिफ्लेक्ट होगी. सो मेक श्योर कि आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर. इन दिस सेशन वी हैव टू लर्न अबाउट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. ठीक है, और आज ही हम थोड़ा मैग्नेटिज्म अगर स्टार्ट हुआ तो कर देंगे. ठीक है, अगर आपको कोई न्यूमेरिकल्स के अंदर डाउट वगैरह हो तो आप मुझे बता सकते हो. ठीक है, ओके. तो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे आपको ऐसा बोलूं कि लास्टली हमने सीरीज पैरेलल पढ़ा था, तो कितने लोग वहां पे थे? जस्ट रेज योर हैंड. सीरीज पैरेलल जब हमने स्टार्ट किया था तब कितने लोग वहां पे प्रेजेंट थे सीरीज पैरेलल के अंदर? हरी अप गाइस. ओके, विसामो किड सेज ओके, होस्टलर्स भी थे, सब थे. ठीक है, तो वो सारी चीज जो मैंने बताई थी बच्चों को, चीज आपको नोट डाउन करके रखनी है. ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है. ठीक है, लेट मी शेयर माई स्क्रीन, जस्ट अ मिनट. ओके, सो सीरीज पैरेलल और ये सारे कनेक्शन हमने देख लिए थे. ठीक है, अब कुछ एडवांटेजेस की भी बात होती है. एडवांटेजेस इन द सेंस ऑफ व्हाट, कि व्हाई वी डोंट यूज सीरीज कनेक्शन इन अवर होम्स, व्हाई वी डोंट यूज सीरीज कनेक्शन फॉर द डोमेस्टिक पर्पजेस, व्हाई वी यूज अ पैरेलल कनेक्शन, और व्हाई वी यूज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर द डोमेस्टिक पर्पजेस. व्हाट इज मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक पर्पजेस? हमारे घरों के अंदर यूज होने वाली चीजों के लिए हम उसको यूज करते हैं. तो रीजन ये होता है बच्चों कि हमारे पास कुछ ऐसे एडवांटेजेस है कंपेयर टू द सीरीज कनेक्शन, कि पैरेलल कनेक्शन में रेजिस्टेंस कम हो जाता है, सीरीज कनेक्शन के अंदर रेजिस्टेंस बढ़ता है. सो इन अ सीरीज कनेक्शन, अगर मैं यहाँ पे आपको सीरीज कनेक्शन दिखाऊं, तो ये सीरीज कनेक्शन कुछ इस हिसाब से होता है. ठीक है, तो यहाँ पे मान लो कि मैं हमारे घरों में सीरीज में बल्ब लगाता हूँ. किसमें बल्ब लगाता हूँ? सीरीज के अंदर. जैसे कि मान लो एक बल्ब है मेरे पास यहाँ पे. ठीक है, अब इस बल्ब के साथ मैंने एक दूसरा बल्ब भी लगा दिया, तीसरा बल्ब भी लगा दिया, तो ये जो बल्ब है बेटा वो किस में लगे हुए हैं? सीरीज के अंदर लगे हुए हैं. और जब सीरीज के अंदर ये बल्ब लगते हैं, मान लो एक कंपोनेंट फेल हो गया, ये बल्ब फेल हो गया, तो आगे करंट जा नहीं पाएगा. क्यों? क्योंकि ये तो ओपन कनेक्शन हो गया. और अगर आगे करंट जा नहीं पाएगा तो बच्चा दोनों बल्ब काम करना बंद कर देंगे. हाँ सर. सो इन अ सीरीज सर्किट विथ वन कंपोनेंट फेल्स, द सर्किट इज ब्रोकन एंड नन ऑफ द कंपोनेंट्स वर्क. इफ द वन कंपोनेंट इज स्विच्ड ऑफ, रेस्ट ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स आर स्विच्ड ऑफ, एंड दैट्स व्हाई वी डोंट यूज द सीरीज कनेक्शन इन अवर होम. बच्चों मान लो कि मेरे पास फैन है. ठीक है, तो मैं एक फैन स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके साथ लाइट चालू कर रहा हूँ. ठीक है, अभी आप बेटा घर में बैठे हो तो लाइट चालू होगी. ठीक है, फैन भी चालू होगा, एसी भी चालू होगा. अब क्या करूँ? अब लाइट को बंद कर दो तो फैन बंद होगा, एसी बंद होगा? नहीं, उसके लिए स्पेशली आपको क्या करना पड़ता है? दूसरी स्विच को बंद करना पड़ता है. तो एवरी कनेक्शन हैज अ डिफरेंट स्विच. अगर मान लो आपके पास एक, आपने देखा होगा, ठीक है, सर्किट बोर्ड देखा होगा, सर्किट बोर्ड या तो कनेक्टर बोर्ड होता है. ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे प्लग्स होते हैं. उसमें क्या होता है, एक प्लग की मेन स्विच बंद करने से पूरा बल्ब, मतलब उसके साथ जितने भी कंपोनेंट्स लगे होंगे वो सारे बंद हो जाएंगे. ठीक है, एक्सटेंडेड बोर्ड जिसको हम कहते हैं. ठीक है, तो वो बोर्ड्स के अंदर पहली जो मेन स्विच होती है उसको बंद करने से सारे कनेक्शन उड़ गए. तो वही तो सीरीज कनेक्शन में हो रहा है. तो सीरीज कनेक्शन में एक कंपोनेंट फेल हो जाने पे दूसरे सारे कंपोनेंट फेल हो जाते हैं, बट पैरेलल में ऐसा नहीं होता. अब मान लो बेटा आपने ये बल्ब पैरेलल में लगाए होते हैं. किस में लगाए होते हैं? पैरेलल के अंदर. और यहां पे मान लो करंट जा रहा है कुछ ऐसे. ओके, अब यहां पे क्या हुआ, जैसे ही करंट यहां पे जा रहा था बच्चा, ऐसे करंट जाएगा प्लस से माइनस. तो जैसे ही करंट जा रहा था, मान लो ये वाला बल्ब बंद हो गया, तो करंट तो यहाँ पे तीन जगह पे स्प्लिट हो रहा है, तो ये वाला बल्ब और ये वाला बल्ब तो चालू ही रहेगा क्योंकि करंट तो इनको मिलता रहेगा.
हाँ सर बात तो सही है, लेकिन बीच वाले को नहीं मिले। क्यों सर? क्योंकि वो तो बंद हो गया। फिर भी एक कंपोनेंट फेल होने के बाद भी दूसरे दोनों कंपोनेंट स्टार्ट होते, तो दिस इज द एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज, डिफरेंट अप्लायंसेस हैव अ डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ करंट। दिस कैन नॉट बी सेटिस्फाइड इन द सीरीज एज द करंट रिमेन्स द सेम। बच्चा यहां पे एक चीज आपको याद ये रखनी है कि हमारे घर के अंदर बहुत सारे अप्लायंसेस होते हैं। मान लो ये फोन है, और मान लो हमारे पास एक बड़ा सा टीवी है। क्या है? बड़ा सा टीवी। अब ये फोन को और ये टीवी को क्या दोनों को सेम करंट चाहिए? आंसर इज नो, सेम करंट नहीं चाहिए। इन दोनों को अलग अलग करंट चाहिए, क्योंकि इसको लो करंट चाहिए होगा तो इस वाले को हाई करंट चाहिए होगा। अरे हाँ या ना? हाँ सर बात तो सही है। और जब बेटा यहाँ पे करंट ज्यादा और करंट कम की बात आती है, तो हमारे पास रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से आप करंट को कम कर सकते हो लो, और यार या तो इसको हाई भी कर सकते हो। तो यहाँ पे बात ये आती है कि मान लो मेरे को करंट ज्यादा चाहिए या तो करंट कम चाहिए। सीरीज कनेक्शन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि सीरीज कनेक्शन के अंदर करंट तो कॉन्स्टेंट रहता है। अब सीरीज के अंदर करंट कॉन्स्टेंट रह रहा है, उसका मतलब ये है कि भाई साहब यहाँ पे सभी चीजों को सेम करंट मिलेगा। पर सभी चीजों को सेम करंट तो नहीं मिलना चाहिए, सभी की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती है। अब आपकी खाने की क्षमता, आपकी एफिशिएंसी दूसरे से कंपेयर थोड़ी ना कर सकते। किसी को 5 रोटी चाहिए, किसी को 2 रोटी ही चाहिए। तो ये डिसाइड होता है बेटा कंपनी वाइज। जैसे कि मान लो आप एलजी का या तो कोई भी चाइना ब्रांड है, ठीक है, उसका आप कोई भी रेफ्रिजरेटर यूज कर रहे हो, कहाँ बने हैं? मेड इन चाइना, ठीक है। तो चाइना के अंदर जब बनते हैं ना, तो वो लोग ऐसे डिसाइड करते हैं कि जैसे कि मान लो ये वाला जो स्लॉट है, या तो ये वाला जो भी कंटेनर है, वो इंडिया जाएगा, तो इंडिया के लिए अलग रेफ्रिजरेटर होते हैं, अमेरिका के लिए अलग होते हैं, क्योंकि अमेरिका में बहुत ज्यादा वोल्टेजेस होते हैं। तो अगर ज्यादा वोल्टेजेस होते तो उसके अंदर से बेटा उसको करंट कम चाहिए होगा, तो ज्यादा रेजिस्टेंस डालते हैं। हमारे कंपेरेटिवली 220 वोल्टेज होते हैं हमारे घरों के अंदर, तो उसके हिसाब से रेजिस्टेंस डालते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वहां से जो चीज लेके आते हो तो वो वहां पे चल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो हर एक अप्लायंसेस को अलग अलग करंट की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि सीरीज कनेक्शन में फुलफिल नहीं हो सकती। सो दिस इज द मेन एडवांटेज ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर द सीरीज। एंड द लास्ट वन, एज आई टोल्ड यू, द रेजिस्टेंस और द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, व्हेन यू कनेक्ट द पैरेलल सर्किट, देन यू विल गेट अ लो रेजिस्टेंस। इफ द इन द सीरीज मोड, वी नो दैट के डायरेक्टली एड हो जाते हैं। आर एस इज इक्वल टू R1 + R2 + R3, इस तरह से एड होते हैं, बट यहाँ पे डिवाइड हो जाते हैं। 1/R equivalent इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो इस हिसाब से बच्चों आपको याद रखना है, दिस आर द एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर टू सीरीज कनेक्शन। इज दिस क्लियर? ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, सेशन नंबर 5। ओके सो गाइस, हमारे पास करंट है। क्या है बच्चों? करंट। अब करंट की 3 इफेक्ट होती है। कितनी इफेक्ट होती है बच्चों? मेनली देर आर 3 इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देर आर थ्री इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। इन द फर्स्ट वन, बेसिक से जाएंगे बच्चा। सो बेसिक से बेसिक अगर मैं पूछूं तो आपको पता होगा कि कौन सी होती है। अब बोलोगे सर हाँ पता है, केमिकल इफेक्ट होती है। कौन सी इफेक्ट होती है बच्चों? केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट का मतलब क्या कि आप बच्चा देखते थे ना, इलेक्ट्रोलाइसिस सॉल्यूशन के अंदर एनोड कैथोड डालते थे, ठीक है, फिर सॉल्यूशन को ब्रेक करते थे। CuSO4 हो गया तो Cu2 + SO4 2-, इस तरह से हम ब्रेक करते थे। सो बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यू ब्रेक द सॉल्यूशन। दिस इफेक्ट इज नोन एज केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आफ्टर दैट वी हैव ऑब्जर्व दैट कि जब बेटा वायर के अंदर से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स भागने लगे, और बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स भागने लगेंगे बेटा, तो यहाँ पे बेटा क्या रेजिस्ट करेंगे? हीट क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे? हीट क्रिएट करेंगे। और इसी चीज को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोला जाता है बच्चों? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एंड लास्टली वी हैव थर्ड इफेक्ट, जो कि इसके बाद वाला चैप्टर है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये आपका लास्ट चैप्टर है। तो ये होती है करंट की 3 इफेक्ट। करंट जब प्रोड्यूस होता है तो उसके पास कुछ केमिकल इफेक्ट होती है बच्चों, कुछ और
हीटिंग इफेक्ट होती है, एंड द थर्ड वन इज व्हाट, मैग्नेटिक इफेक्ट होती है इलेक्ट्रिक करंट की। तो ये तीन चीजों में से आप ये वाली चीज 8 स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ते हो, ये वाली चीज अभी हम 10th में पढ़ेंगे, इसके बाद इसको 12th में भी पढ़ेंगे, इसको भी 10th और 12th में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके सर, सो लेट्स टॉक अबाउट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसकी बात करनी है बच्चों, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये हीटिंग इफेक्ट कहता क्या है, बहुत बेसिक है, समझो। मान लो हमारे पास एक वायर है, क्या है बच्चों, वायर। ओके सर, ले लिया वायर। अब इस वायर के अंदर कौन रहते हैं, बोलो प्रसाद। नो, इसके अंदर रहते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। ओके सर, समझ में आ गया सर। अब क्या करना है, अब बच्चों मान लो कि आपने इसको दिया पोटेंशियल डिफरेंस। क्या दिया, पोटेंशियल डिफरेंस। और जैसे ही आपने इसको पोटेंशियल डिफरेंस दिया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, करंट फ्लो करना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे ही करंट फ्लो करना स्टार्ट किया, ये इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो किस में आ गए, मोशन में आ गए। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स मोशन में आए, तब उसके पास कौन सी एनर्जी थी, अब बोलो 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 जल्दी से बोलो बच्चा पार्टी, कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी। ओके, सो इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर द काइनेटिक एनर्जी व्हेन दे पासिस थ्रू दिस गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया बिकॉज दे आर इन अ मोशन स्टेट। यस और नो? यस सर, काइनेटिक एनर्जी है। हाँ सर, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मोशन में है। हाँ सर, क्यों, यहाँ पे जगह होती है। आंसर इज नो सर, धक्का मुक्की होती है, रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है बच्चों, रेजिस्टेंस होता है। और यहां से हमें ये पता चला, यही काइनेटिक एनर्जी, दिस काइनेटिक एनर्जी विल कन्वर्टेड इनटू इनटू हीट एनर्जी। वी नो दैट ना, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, वी नो दैट। वी कैन नॉट क्रिएट द एनर्जी, वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय द एनर्जी, वी कैन जस्ट ट्रांसफर दिस एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एंड हियर वी सी दैट कि काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी। हीट एनर्जी आ गई सर, अब पता चल गया सर। हाँ सर, बात तो समझ में आ गई कि जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे और वो गर्म होते जाएंगे। हाँ सर, अब बच्चों है ना, एक चीज मेरी समझो। हाँ सर बताइए, अगर मैं ऐसा बोलूँ कि ये जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको मैं एच से डिनोट करूंगा, किसी को दिक्कत है? नो सर। अब यहाँ पे मैं ऐसा बोलूँ कि रेजिस्टेंस बढ़ाओगे, अगर आप रेजिस्टेंस बढ़ाओगे यानी कि धक्का मुक्की बढ़ाओगे, और धक्का मुक्की बढ़ाओगे दैट मींस आप क्या क्रिएट कर रहे हो, आप हीट क्रिएट कर रहे हो। सो इफ यू इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, यू विल इंक्रीज द हीट ऑफ दैट सर्किट। ओके सर, समझ में आ गया सर। अब मान लो बेटा हमारे पास दूसरा फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर। व्हाट इज आई स्क्वायर, इज द स्क्वायर ऑफ द करंट। करंट को दोगुना करने से, डबल करने से हीट 4 टाइम्स बढ़ जाती है। दैट मींस हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द करंट के। एंड द थर्ड वन, एक अज्यूम करो बच्चों कि आपने एक फोन को 2 मिनट के लिए चार्ज में रखा, 20 मिनट में चार्ज में रखा और 2 घंटे तक रखा, 2 मिनट्स 20 मिनट्स 2 आवर, तो फोन किस में ज्यादा गर्म होगा, चलिए जल्दी से बताइए, फोन किस में ज्यादा गर्म होगा, 20 मिनट्स 2 आवर्स या 2 मिनट्स। गाइस आंसर देना है, किस में ज्यादा गर्म होगा फोन को, आप बच्चों, अदरवाइज मैं पूछ रहा हूं कि इसके अंदर, रुको। सर क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना प्लीज। मेरा क्वेश्चन ये है ईशानवी, कि अगर आप फोन को 2 मिनट के लिए चार्ज में रखो, 20 मिनट के लिए चार्ज में रखो, एंड फॉर द 2 आवर्स यू कैप द फोन एट द चार्जिंग, सो इन विच टाइम द हीट इज मोर। 2 hours 2 hours, why? Because you increase the time. So with the time, heat is also increases. So now we have three factor. One is a resistance, another one is current, and the third one is time. तो बच्चों यहाँ से हमारे पास एक जूल नाम का बंदा था, जिसका नाम था जेम्स प्रेस्कॉट जूल। क्या नाम है इसका? जेम्स प्रेस्कॉट जूल। एक आर्मी ऑफिसर है जिन्होंने कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी के बारे में भी बताया था, ठीक है, इसी ने हीटिंग इफेक्ट के बारे में भी बताया है, और यहाँ पे बेटा इसी स्टेटमेंट को हमने बोल दिया है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या बोल दिया बच्चों, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। व्हेन अ करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, हीट एनर्जी इज जनरेटेड इन द कंडक्टर, एंड दिस हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट द डिपेंड्स ऑन द थ्री डिफरेंट फैक्टर्स। द फर्स्ट फैक्टर ऑन विच हीट एनर्जी इज डिपेंड, द फर्स्ट वन इज द रेजिस्टेंस। इफ यू इंक्रीज द रेजिस्टेंस द मोर द हीट, दैट मींस अगर रेजिस्टेंस बड़ा होगा तो हीट भी बढ़ेगी। द टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज, द लॉन्गर द टाइम द अमाउंट ऑफ हीट प्रोडक्शन इज हाई, एंड
द अमाउंट ऑफ करंट, हायर द करंट द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इज ऑल्सो हाई, बट किस तरह से आई स्क्वेयर के, नॉट द आई, आई स्क्वेयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हीट। हाँ सर पता तो चल गया। अब बच्चों यहां से आपको एग्जाम के अंदर पूछते हैं प्रूफ, क्या पूछते हैं बच्चों प्रूफ। चलिए तो इसको प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है कि भाई किस तरह से इसका जो स्टेटमेंट होगा वो हमें अज्यूम करना है। चलिए बच्चों तो प्रूफ देख रहे हैं कहां से, और यहां से हम पावर टर्म को भी समझ लेंगे, ठीक है। ओके तो बच्चों यहां से मुझे एक बात बताओ, पावर आपने पढ़ी है, पावर, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर जो है, मैं पहले पावर पढ़ा देता हूं, ठीक है। तो आपने नाइन्थ स्टैंडर्ड में पढ़ा है वर्क एनर्जी पावर, लेकिन फिर भी मुझे यहां तक विश्वास है कि आपको नहीं पता होगा। आई एम नॉट अंडर एस्टिमेट बट ठीक है। चलिए पावर, पावर को पी से डिनोट करते हैं बच्चों, किससे, पी से। अगर मैं ऐसा बोलू कि जो पावर का फॉर्मूला है वो होता है क्या, वर्क डन पर यूनिट टाइम। क्या होता है बच्चों, पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। ये आपने पढ़ा था कब, 10th स्टैंडर्ड के अंदर। मान लो यहाँ पे भोलू प्रसाद, यहाँ पे बेटा हमारे पास श्यामू प्रसाद, श्यामू प्रसाद और भोलू प्रसाद दोनों फ्रेंड है। भोलू प्रसाद 3 चैप्टर पढ़ रहा है बेटा, कितने आवर में, 30 मिनट्स में, और बेटा श्यामू प्रसाद 3 चैप्टर पढ़ रहा है 1 आवर के अंदर। हाँ सर बात तो सही है, कौन ज्यादा वर्क कर रहा है बेटा, भोलू प्रसाद, क्यों, बिकॉज इट कंटेन्स लेस टाइम कंपेयर टू द श्यामू प्रसाद, यानी कि टाइम अगर कम होगा तो पावर उसकी ज्यादा होगी। फिर से बोलिए, इफ द टाइम इज डिक्रीजिंग द पावर इज इंक्रीजिंग, क्योंकि डिनोमिनेटर में टाइम घटा तो पावर बढ़ेगा। हाँ सर बात तो सही है, और अगर बेटा मैं ऐसा बोलूं कि दोनों 1 आवर ले रहे, क्या ले रहे हैं, दोनों 1 आवर ले रहे हैं, भोलू प्रसाद 3 चैप्टर से 4 चैप्टर पढ़ रहा है और श्यामू प्रसाद सिर्फ 2 ही चैप्टर पढ़ पा रहा है 1 आवर में, तो किसने ज्यादा काम किया, ऑब्वियस भोलू प्रसाद ने, 1 आवर में 4 चैप्टर पढ़े, उसने 1 आवर में 2 चैप्टर पढ़े, तो भोलू प्रसाद ने कम काम किया या ज्यादा, यस सर ज्यादा काम किया। तो यहाँ पे बच्चा ये समझ में आता है कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द वर्क डन, जितना ज्यादा काम उतना ज्यादा पावर, एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द टाइम, जितना ज्यादा टाइम लगाओगे पावर उतनी कम होगी, और जितना कम टाइम लगाओगे पावर उतनी ही ज्यादा होगी। तो बेसिक फॉर्मूला होता है पावर का, इसकी अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो ये होता है बेटा रेट ऑफ डूइंग वर्क, क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, जिसको हम कहते हैं पावर, वर्क करने का रेट निकाल लो, क्या निकाल लो बच्चों, रेट, दैट मींस इन द फिजिक्स वेन एवर यू हर्ड रेट, दैट मींस दोज क्वांटिटीज आर डिवाइडेड बाय टाइम, जितनी भी क्वांटिटी टाइम से डिवाइड होती है उसको हम बोलते हैं रेट, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम बोलते हैं पावर, क्या बोलते हैं बच्चों पावर। ओके सर अब हमें बेटा प्रूफ करना है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, क्या प्रूफ करना है बच्चों, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, क्या यहां तक क्लियर है बच्चों, प्लीज गिव मी थम्स अप गाइस, क्या यहां तक क्लियर है, जल्दी से थम्स अप करिए। नो रिस्पॉन्स, नहीं आया अभी भी बच्चों, थम्स अप कर दीजिए गाइस, क्या यहां तक क्लियर हुआ पावर क्या है। ओके पावर की कुंडली निकाले बच्चों, तो इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है वॉट, क्या होता है बच्चों वॉट, ठीक है, दिस इज द ऐसा यूनिट ऑफ पावर वॉट। ओके देन आफ्टर आपकी बोर्ड की एग्जाम में बच्चों ये लोग ऐसा पूछते हैं कि डिफाइन वन वॉट, इसको डिफाइन करना है वन वॉट को, कैसे डिफाइन करोगे वन वॉट को, सो सर वी नो दैट पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, वर्क डन का यूनिट होता है जूल, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, पावर को होता है वर्ट वॉट, तो अगर मैं जेम्स वॉट, ठीक है उसके नाम से बेटा यहाँ पे वॉट रखा हुआ है, जेम्स वॉट ने एक स्टीम इंजिन बनाया था, तो वन वॉट डिफाइन हो गया बच्चों 1 जूल पर 1 सेकेंड, सो व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड देन इट इज सेड टू बी, देन इट इज सेड टू बी, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, वन वॉट को डिफाइन करिए तो आपको बोलना है 1 जूल वर्क करना है 1 सेकेंड के अंदर, तो उसको हम बोलेंगे 1 वॉट, सो दिस इज ऑल अबाउट द पावर। एक और रिलेशन है किलोवाट आवर और
जो भी है ठीक है वो मैं बाद में पढ़ाता हूँ, पहले मैं प्रूफ करवा देता हूँ ठीक है। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट अवर प्रूफ। चलिए, प्रूफ फॉर हीटिंग इफेक्ट ठीक है। चलिए तो हीटिंग इफेक्ट के लिए बेटा एक्सप्रेशन निकालते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के लिए। अभी अभी पावर पढ़ी राइट, अभी अभी क्या पढ़ा, पावर पढ़ा। ओके सर पढ़ा, तो उसका क्या, तो बच्चों उसके अंदर आपको क्या दिखा, तो मैंने पहले पावर से स्टार्ट करना है, कहां से स्टार्ट करना है बच्चों, पावर से। पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। पावर का फॉर्मूला क्या है बच्चों, वर्क डन पर यूनिट टाइम। शुड आई राइट पी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई टी, यस सर यू हैव टू राइट पी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई टी। नाउ चलिए, अबी आपको ये पता है v इज इक्वल टू होता है w बाई क्यू, v इज इक्वल टू क्या होता है w बाई क्यू। वॉट इज v, पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगर मैं यहां से w का सब्जेक्ट बनाऊं तो ये क्या हो जाएगा, वी क्यू हो जाएगा। पुट करो यहाँ पे बच्चों, तो w की जगह पे वी क्यू रख दिया, t की जगह पे टाइम रख दिया, तो ये हो गया पावर। हाँ सर बात तो सही है, लेकिन सर यहाँ पे एक बार और ऑब्जर्व करूं तो क्यू बाई टी भी आ रहा है, क्या आ रहा है क्यू बाई टी। अब क्यू बाई टी इज इक्वल टू तुम्हें पता है सर करंट होता है, क्या होता है बच्चों करंट होता है। तो बच्चों ये क्या इक्वेशन बन गई, पावर इज इक्वल टू वी आई, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। पी इज इक्वल टू वी आई, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन ऑफ द पावर। वी हैव फोर इक्वेशन ऑफ द पावर, वी हैव फोर डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन फॉर द पावर, प्लीज कीप इट इन योर माइंड। इसको वी आई पी याद रखना है, क्या याद रखना है वी आई पी, वी आई इज इक्वल टू पी, उसको याद रखना है वी आई पी। ओके, P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, P इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, P इज इक्वल टू वी आई। नाउ नाउ फ्रॉम दी ओम्स लॉ, फ्रॉम दी ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, आई आर। V इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, आई आर। पुट करिए इक्वेशन नंबर टू के अंदर, पुट इन इक्वेशन नंबर टू, और जब बच्चों हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर टू के अंदर यहाँ पे रखेंगे, सो फाइनली आई विल गेट पी इज इक्वल्स टू वी की जगह पे आई आर इंटू आई, तो ये क्या बना आई स्क्वेर आर, क्या बना बच्चों आई स्क्वेर आर। दिस इज योर थर्ड नंबर इक्वेशन, प्लीज कीप इट इन योर माइंड। चलिए पावर की तीन इक्वेशन देखिए बच्चों, पहली इक्वेशन देखी पी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई टी, दूसरी इक्वेशन देखी पावर इज इक्वल्स टू वोल्टेज इंटू करंट, एंड द थर्ड वन इज पावर इज इक्वल टू आई स्क्वेर आर। कितना है बच्चों आई स्क्वेर आर, हो जाए तो बताओ, हो गया इजी। ओके नाउ यहां से फोर्थ इक्वेशन लिखा रहा हूं ठीक है, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द डेरिवेशन, बट फोर्थ इक्वेशन लिखा रहा हूं, कुछ नहीं होता। पी इज इक्वल टू है वी आई, पी इज इक्वल टू क्या है वी आई पी, वी आई पी याद रखना है। हाँ सर है, वोल्टेज तो हमने रख दिया सर V इज इक्वल टू आई आर, बट नाउ सर मैं V की तो वैल्यू V रखू, लेकिन I की वैल्यू ओम्स लॉ से निकाल लू, तो I की इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, I इज इक्वल टू, I इज इक्वल टू V बाई आर, क्या बनेगा I इज इक्वल टू V बाई आर। पुट करिए यहाँ पे, तो ये क्या बना P इज इक्वल टू V स्क्वेयर बाई आर, क्या बना P इज इक्वल टू V स्क्वेयर बाई आर। ये आपके बेटा एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के अंदर दिया हुआ है सेकेंड नंबर का क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन डेटा ठीक है। तो वहां पे आपको पावर का इक्वेशन पूछा है, बहुत सारे इक्वेशन दिया हुआ है, उसमें से आपको बताना है कि पावर का इक्वेशन कौन सा नहीं है। तो आपने चार इक्वेशन पढ़ी बच्चों, कितनी पढ़ी चार, ये एक्स्ट्रा थी, ये क्या थी कंप्लीटली एक्स्ट्रा। ओके पी इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर आ गया। अब बच्चों मेरे को एक बात बताओ, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, ईशान भी पावर का फॉर्मूला क्या बताया बेटा, W by T W बाई टी, वेरी गुड। तो बच्चा W बाई टी, W का यूनिट क्या होता है बेटा, W का यूनिट क्या होता है जूल्स जूल्स, वेरी गुड। और दूसरा इक्वेशन है बेटा जिसके अंदर भी जूल होता है, दूसरी कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जिसके अभी यूनिट जूल है, हीट या एनर्जी एनर्जी, यस वेरी गुड। बच्चों एनर्जी का भी यूनिट जूल है और वर्क डन का भी यूनिट जूल है, तो
तो मैं यहां से W को सब्जेक्ट बनाऊं तो ये क्या हो जाएगा, P इंटू टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, P इंटू टी। बट सर आपने तो बोला कि वर्क डन ही तो क्या है, एनर्जी है, क्योंकि दोनों का यूनिट तो सेम होता है। हाँ सर होता है, तो मेरे पास E इज इक्वल टू क्या आया, P इंटू टी। अब इक्वेशन नंबर ये बन गया आपके लिए 4। अब बच्चों P की वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर दी हुई है, क्या रखूंगा मैं, आई स्क्वेयर आर। इक्वेशन 3 पुट इन इक्वेशन नंबर 4, कहां पे रखा है बेटा, 4 पे, तो आई स्क्वेयर आर टी। ये हो गया आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का क्वेश्चन। यहां से बनते हैं एच इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये पूरा इसका क्या है, डेरिवेशन है। अगर आपको लिखना हो तो लिख लो, आइदर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, काम आएगा। इतना क्लियर हो जाए तो थम्स अप दे देना बच्चों। ओके, तो ये हो गया पावर की कहानी। पी इज इक्वल्स टू हमने डब्ल्यू बाई टी से स्टार्ट किया, W की जगह पे वी क्यू रख दिया, ठीक है, तो वी क्यू यहाँ पे आ गया, तो क्यू बाई टी, तो पावर इज इक्वल टू वी आई, दूसरी इक्वेशन बनी। अब दूसरी इक्वेशन हमने क्या किया, ओम्स लॉ लिख दिया, तो वी इज इक्वल टू आयर होता है, पुट कर दिया, तो ये हो गया पी इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर, क्या हो गया, पी स्क्वेयर इज पी इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर। और उसी की जगह पे वी आई पी में ही अगर मैं आई की वैल्यू रखू तो ये हो जाता है वी बाय आर, विच इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय आर इज इक्वल टू पावर। तो पावर की बेटा हमने 4 इक्वेशन पढ़ी है, ठीक है, चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, पावर इज इक्वल टू वी आई, तीसरा पावर इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर, एंड द फोर्थ वन पावर इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय आर। तो ये होती है आपकी पावर की 4 इक्वेशन, क्या होती है बच्चों, 4 इक्वेशन, ठीक है। ओके, अब ये जो हीटिंग इफेक्ट होती है, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट बेटा हमारे लिए पहले तो कोई काम की नहीं थी, इसमें थोड़ा मैं थियोरेटिकल जाऊंगा, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट हमारे लिए पहले कोई काम की नहीं थी, हम इसको यूज ही नहीं कर पा रहे थे, हमें पता ही नहीं चल रहा था कि हीट क्या है। तो यहाँ पे हम लोगों को पता कैसे चला, तो हीटिंग इफेक्ट जो होती है, ठीक है, उसकी वजह से हमने ऐसे कुछ मटेरियल्स निकाले जो कि वो इस चीज के ऊपर बेस करते हैं, यानी कि ये उसका प्रिंसिपल है, हीट करोगे तो ही चीजें चालू होगी। जैसे कि कोई बता सकता है एग्जाम्पल फॉर द हीटिंग एलिमेंट्स, लाइट या आयरन नो सर, हेलो, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक लैम्प, हीटर, हीटर, गुड, सर आयरन, देन स्त्री स्त्री इस हाँ बीड़े, ठीक है, फिर स्त्री, स्त्री बेटा मेरे को पता चलता है आयरन में है, ठीक है, ओके देन ओके। तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा थियोरेटिकल है, हीटिंग इफेक्ट के अंदर ऐसा होता है कि आपके एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ दिया हुआ है, दो पैराग्राफ दिए हैं, पहला है बल्ब का, किसका है, बल्ब का। अब बल्ब की मैं कुछ ऐसी चीजें बता देता हूं जो कि आपको एग्जाम के अंदर आ सकती है। बल्ब जो होता है उसके अंदर रहता है बेटा फिलामेंट, पहले जो ओल्ड बल्ब आते होंगे, ठीक है, आपने देखा होगा मूवीज के अंदर, कोई वो पुलिस स्टेशन के अंदर दिखाते हैं, तो उसके अंदर होता है एक फिलामेंट, क्या होता है बच्चा, फिलामेंट, विच इज मेड अप ऑफ टंगस्टन, किससे बना होता है ये, टंगस्टन से बना होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट्स इज वेरी हाई, मेल्टिंग पॉइंट्स इज वेरी हाई, ऐसे मटेरियल जिसके मेल्टिंग पॉइंट्स बहुत ज्यादा हाई हो, ऐसे वाले मटेरियल्स जो होते हैं वो यहाँ पे यूज होते हैं। ऑब्वियस है कि यहाँ पे हमारे पास फिलामेंट यूज होता है। अब फिलामेंट जो होता है ना बेटा, ठीक है, उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है करीबन 3380 डिग्री सेल्सियस, ये आपके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग। और हमारे पास एक दूसरी कहानी होती है, अगर आप रिसर्च पेपर देखोगे तो वहां पे उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 3367 डिग्री सेल्सियस, बट ये वेरी कर रहा है, 20-25 जितना ही फर्क है, और कोई फर्क है नहीं, 10 ही फर्क है, ठीक है, 13 जितने। तो बच्चों यहाँ पे क्या क्लियर हुआ कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो तो बहुत ज्यादा है, यानी कि इतना गर्म करने में भी इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। टंगस्टन एक ऐसा डिवाइस है, या तो ऐसा मटेरियल है जो जलने पर ग्लो करता है, रेडियो एक्टिव मटीरियल, जलने पे क्या करेगा बेटा, ग्लो करेगा, हाँ सर, तो इसी के लिए बेटा ये फिलामेंट में पहले यूज होते थे और आजकल यूज नहीं होते, आजकल हम CFL यूज कर रहे, क्लोरोफ्लोरोसेंट लैंप्स, और क्लोरोफ्लोरोसेंट लैंप्स जो होते हैं उसके अंदर लिक्विड भरा जाता है, कौन भरा जाता है, लिक्विड, कौन सा लिक्विड पता है आपको, किसी को पता है कौन सा लिक्विड भरा जाता है, ये जो व्हाइट CFL बल्ब देखते हो उसके अंदर कौन सा लिक्विड होता है, डू यू नो,
अरे बोलना है बेटा, जो सी एफ एल्स बल्ब होते हैं ना, ठीक है, वो सी एफ एल बल्ब के अंदर क्या होता है? चैप्टर 8, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोसेंट लैंप्स जो होते हैं, सी एफ एल बल्ब, उसके अंदर मर्क्यूरी होता है। कौन होता है? मर्क्यूरी, HG, वो लिक्विड स्टेट में रहता है उसके अंदर, और वहां पे वो गर्म होता है, तब आगे इलेक्ट्रॉन्स को हीट देता है और लाइट देता है। सी एफ एल बल्ब में बिल कम आता है ना, तो इंटेंसिटी भी उसकी थोड़ी बहुत कम होती है। तो बट ये क्या यूज कर रहे हैं हम? सी एफ एल्स आजकल यूज करते हैं, जिसके अंदर मर्क्यूरी भरा जाता है, बट वो तो थोड़ा एक्सटर्नल लेता। बल्ब के अंदर फिलामेंट याद रखना है, टंगस्टन याद रखना है, उसका मेल्टिंग पॉइंट याद रखना है। दूसरी चीज बच्चा यहाँ पे याद रखती है कि जो बल्ब होते हैं, वो बल्ब के अंदर जो फिलामेंट है, उसकी लाइफ टाइम को प्रीलोंग करने के लिए, लाइफ टाइम को बढ़ाने के लिए, उसको सही से रखने के लिए, फॉर द प्रीलोंगेशन ऑफ द फिलामेंट, हम यूज क्या करते हैं बताए? हम यूज करते हैं ना आर्गन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसी गैसेस। ठीक है, ऑक्सीजन तो नहीं है, बट आर्गन एंड नाइट्रोजन यूज करते हैं। व्हाई वी फिल्ड आर्गन एंड नाइट्रोजन गैसेस इनसाइड द बल्ब, ये क्वेश्चन आया हुआ है, यहां से ये क्वेश्चन आया हुआ है। व्हाई वी फिल दिस टाइप ऑफ इनर्ट गैसेस, इसको इनर्ट गैसेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? इनर्ट गैस, गेटिंग फॉर ग्रेट फॉर सॉरी प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम बर्न, सॉरी, उसे बर्न होने से प्रिवेंट करने। बर्न करने से भी गुड, और दूसरी चीज लाइफ टाइम बढ़ाने के लिए, प्रीलोंगेशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ द फिलामेंट। फिलामेंट मान लो 1 साल चलता होता, तो ये गैसेस से वो 3 से 4 साल जल जाएगा। ठीक है, प्रीलोंग करना है उसको, बचाना है, अदरवाइज तो क्या होगा, वो खुद की हीट से बेटा वो जल जाएगा। ठीक है ना, तो उसको लाइफ टाइम बढ़ाने के लिए वी यूज दिस टाइप ऑफ गैसेस, इनर्ट गैसेस यूज करते हैं। आप देखा होगा कि जब भी बेटा आप एक कोई बल्ब होता है उसको फोड़ते हो, तो उसमें से पप करके आवाज निकलती है। ठीक है, तो वो गैसेस बाहर रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के साथ उसके अंदर भरे होते हैं। तो ये होती है बेटा किसकी कहानी? बल्ब की कहानी। क्या यहाँ पे बच्चों समझ में आया? जल्दी से थम्स अप करिए, फास्ट फास्ट फास्ट। क्या ये समझ में आया कि कोई डाउट है? मेरे साइड से सब कुछ क्लियर है। ठीक है, आपके साइड से अगर कुछ हो डाउट्स तो आप पूछ सकते हो। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड डिवाइस। सेकेंड डिवाइस जो है बच्चा, जो कि बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, वो है हमारे पास फ्यूज। क्या होता है बच्चों? फ्यूज, एक होता है फ्यूज और एक होता है फ्यूज रेटिंग। बच्चे बहुत कंफ्यूज है इसमें, फ्यूज रेटिंग क्या है, फ्यूज रेटिंग क्या है, सीबीएसई पूछती है फ्यूज रेटिंग। अब सुन लो सारी सी बात। ठीक है, फ्यूज होता है बेटा एक सेफ्टी डिवाइस। फ्यूज क्या है? एक सेफ्टी डिवाइस। फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस है सर, कैसे सेफ करेगा? तो बेटा ये एक 5 रुपए की डिवाइस है। ये क्या है? 5 रुपए की डिवाइस। 5 रुपए की डिवाइस के अंदर आप अपने लाखों के अप्लायंसेस को बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक वायर होती है, एक वायर यहां से निकलती है। फ्यूज जो होता है ना, फ्यूज, उस फ्यूज के अंदर एक छोटी सी लो मेल्टिंग वाली वायर रहती है। लो मेल्टिंग पॉइंट यानी कि एकदम लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये जो ग्रीन कलर की वायर देख रहे हो वो फ्यूज था। यहां से मान लो कोई इलेक्ट्रिसिटी आ रही थी और आपके टीवी के साथ लगी हुई है। किसके साथ लगी हुई है बच्चों? टीवी के साथ लगी हुई है, या तो कंप्यूटर के साथ लगी हुई है। तो मानो कि कभी, अब ये करंट आता कहां से इतना ज्यादा? तो बच्चों हम सारा इलेक्ट्रिसिटी टोरेंट से लेते हैं। मान लो टोरेंट से ही कहीं पे गलती हो गई, पावर को ज्यादा भेज दिया, तो आपको क्या करेगा ये? आपके अप्लायंसेस को अफेक्ट करेगा। क्या करेगा? अफेक्ट करेगा, और आपकी जो मेन स्विच बोर्ड है उसके अंदर भी अफेक्ट करेगा। इसलिए हम देखते हैं ना कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। ठीक है, ये सारी चीज हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे ये चीज पता चली कि फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है। अगर मान लो इसके अंदर करंट जो है वो एक्सीड हो जाए, ठीक है, तो फ्यूज अपने आप क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेल्ट, और करंट आगे जा ही नहीं पाएगा। 5 रुपए की डिवाइस होती है। तो ये होता है, इसके अंदर लो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, इसके अंदर लो मेल्टिंग पॉइंट्स है, और ये हमेशा सीरीज में लगता है। नाउ डेज वी डोंट यूज फ्यूज एंड ऑल, वी यूज MCBs, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। आराम से सर्किट के अंदर की जो वो लाइन होती है वो ड्रिप हो जाती है नीचे की तरफ। ठीक है, तो वो हम यूज करते हैं फ्यूज के अंदर। सो नाउ हियर योर चैप्टर इज ओवर, लेट मी कंप्लीट 1 मिनट। ठीक है, 1 किलोवाट आर इज इक्वल्स टू, आपको बोला जाता है 1 जूल निकालो। क्या निकालो?
1 किलोवाट आर इज इक्वल टू दी 1 जूल। तो बच्चों आपने अभी अभी यहां पे देखा हुआ है कि एनर्जी का इक्वेशन होता है पावर इंटू टाइम। क्या होता है बच्चों? पावर इंटू टाइम। 1 किलोवाट को कन्वर्ट करना पड़ेगा वोट में, तो ये हो जाता है 1000 वोट। क्या हो जाता है बच्चों? 10,000 नहीं, 1000 वोट इंटू आर में। 1 आर में कितनी सेकंड होती है बच्चों? 3600 जितनी सेकंड होती है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3600000 जूल, विच इज इक्वल टू 3.6 × 10⁻⁶ जूल। सो दिस इज दी एनर्जी कंजप्शन पावर, जूल जूल में निकलेगा। अगर मान लो आपको ऐसा बोलते हैं ना कि आप 2 यूनिट यूज कर रहे हो दिन में, तो इसके मतलब देखो कितनी बड़ी एनर्जी हुई जूल में। ठीक है, बड़े यूनिट्स होते ही है हमारे इंडस्ट्रीज के अंदर किलोवाट आर ही यूज होता है, हमारे यहाँ पे यूज नहीं होता, जूल में यूज होता है। बाकी इंडस्ट्री लेवल के ऊपर किसमें यूज होता है भाई? ये किलोवाट आर में। ओके, तो नाउ चलिए क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सॉल्व करवा रहा हूँ, थोड़ा बेस्ट पीवाईक्यू का दूंगा मैं। सब अपनी पेन और कॉपी ले लीजिए। चलिए, एक बल्ब है ठीक है, जिसका पावर जो है वो है 100 वॉट। कितना है? 100 वॉट। ये भाई साहब पर डे 8 घंटे चलते हैं। ऐसा मैं इसको मार्च महीने में लेके आया। कहां पे लेके आया? मार्च महीने में। मार्च से फर्स्ट डेट से स्टार्ट करूंगा 31st तक। ओके सर, अब क्या करना है आपको? ये बताना है कि मैंने कितनी एनर्जी को यूज किया इन किलोवाट आर। और आपको मैं ये बताता हूं कि 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू, हम फिज बोलते हैं इसको 1 यूनिट। क्या बोलते हैं बच्चों? फिजिक्स की टर्म में इसको बोला जाता है 1 यूनिट। तो आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है उसके यूनिट्स होते हैं। 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, ये भी याद रखो। ठीक है, और मुझे बताओ जल्दी से चलिए कि क्या होगा एनर्जी की खपत यहां पे? कौन बताएगा जल्दी से? जूल्स एनर्जी की यूनिट। नहीं, आप, मैंने आंसर पूछा बेटा, कितना आएगा एनर्जी? अच्छा सॉरी, हाँ, कितना आएगा एनर्जी? चलिए बच्चों सबको करना है, हॉस्टलर्स जिसका पहला आंसर आया उसको मेरी तरफ से चॉकलेट चैट बॉक्स के अंदर। लैम जोक नहीं था। एनर्जी इज इक्वल टू लगाओ पावर इनटू टाइम। पावर देखो किसमें है, वोट में है। किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? किलो वोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पावर को किलो वोट में कन्वर्ट करना हो तो त्रिशा, 100 वोट इज इक्वल टू हाउ मच किलो वोट? त्रिशा, इसने आंसर दिया नो। यश वर्धन, आई डोंट वांट द आंसर इन जूल, आई वांट द आंसर इन द किलोवाट आवर। कितने यूनिट यूज किया आपने, ये मेरा क्वेश्चन है। त्रिशा बोलो बेटा, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आपको बोला है कि पावर आपके पास 100 वोल्ट, बल्ब की पावर कितनी है? 100 वोल्ट। तो इसको हम करेंगे डिवाइडेड बाय 1000 से, डिवाइड करेंगे 1000 से, 0 गया 0 गया, तो ये आंसर आया 1 / 10 किलोवाट, विच इज इक्वल टू 0.1 किलोवाट। पावर आ गया, आंसर आ गया। अब मुझे चाहिए टाइम, तो मैं यहां पे बता रहा हूं कि 8 आवर्स डे में यूज कर रहा हूं, ऐसे में 31 दिन यूज करूंगा। इन द मार्च, इन द मंथ ऑफ मार्च, दैट मीन्स वी हैव 31 डेज। सो यहाँ पे बेटा आप 31 कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 248। क्या हो गया? 248। ये 248 आया आपका टोटल आर। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना है सर, 248 × 0.1 कर देना है, पावर इंटू टाइम तो करना ही है, बस खत्म। कितना आ गया? 24.8। कितना आया बच्चों? 24.8 किलोवाट आर। तो ये हो जाता है इतने यूनिट्स के बराबर, खत्म। कोई रॉकेट साइंस है इसमें? नहीं ना, इजी तो है। पहले पावर निकाला फिर टाइम निकाला,
पी इंटू डी करना था, एनर्जी मिल जाता। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। सीरीज पैरेलल का है, PYQs है। ओके ये R1, R2, R3, R4, 4 ओम, 4 ओम, 4 ओम, 2 ओम। R4 2 ओम है, बाकी तीनों जो है वो 4 4 4 ओम है। ठीक है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एट ए एंड बी। ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, कौन निकालेगा? चलो जल्दी से देखते हैं कितने को आता है। चलिए बताइए कितना आंसर आएगा। पहला आंसर आ चुका है 8 ओम, मिश्का से इज 8 ओम। वेरी गुड मिश्का, जस्ट अ मिनट। हाँ बेटा मैं जब सबका आंसर चेक कर लूँ उसके बाद आपको बताता हूँ। यस वर्धन से 8 ओम। ओके एनीवन एल्स जो के आंसर देना चाहता है? यस यस टेल मी। दूसरा कोई है ही नहीं। ईशान भी कितना आंसर आएगा? सर मैंने मैसेज भेजा 8 ओम्स। क्या आपने भेजा? हम्म, एक मिनट। ओके हाँ, ओके बच्चों तो देखो यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे हमने ये देखा कि ये वाला जो दो पार्ट है ठीक है, अगर करंट यहां से जाए इस वाले पॉइंट को बोला जाता है जंक्शन। क्या बोला जाता है? जंक्शन। कभी भी आपके पास कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो उसको सोल्व करना हो तो हमें जंक्शन पकड़ना होता है किरचॉफ के अकॉर्डिंग। ठीक है, किरचॉफ लॉ आएगा आगे। तो बच्चा यहाँ पे ये होता है जंक्शन। जंक्शन यानी कि ऐसा पॉइंट जहां पे दो से तीन ब्रांचेस मीट करे। ओके अब यहाँ पे देखो बेटा, करंट यहाँ पे भी जा सकता था, करंट नीचे भी जा सकता था, यानी कि ये स्प्लिट हो गया। और जब ये स्प्लिट होता है यानी कि पैरेलल कनेक्शन, जब ये स्प्लिट हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। अगर ये पैरेलल कनेक्शन होता है बेटा तो आर टू एंड आर थ्री किसमें हो गए? पैरेलल में। तो आर इक्विवेलेंट को सोल्व करने के लिए हम लगाते हैं आर वन आर टू, सॉरी आर टू आर थ्री डिवाइडेड बाई आर टू प्लस आर थ्री। सी ये इक्वेशन कहाँ पे आता है? तो ये हमें पता होना चाहिए कि आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन अपन आर वन प्लस वन अपन आर टू को सोल्व करूंगा तो यही इक्वेशन बनेगा। मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ओके अब आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4 × 4 डिवाइडेड बाई 4 + 4। 4 4 = 16, 16। 4 4 = 8, 8 × 6 तो ये हो गया 2 ओम। यानी कि दोनों का निकल के आया 2 ओम। अब इस सर्किट को बेटा क्या करना है आपको? रीड्रॉ करना है। क्या करना है? रीड्रॉ। ए और बी ये तो आपने सोल्व कर दिया ना दोनों को। तो अगर आपको यहाँ पे 4 ओम और 4 ओम को दो बार लगाना पड़ता है तो टोटल तो 2 ओम ही मिल रहा है। तो मैं क्या करूंगा, दोनों को निकाल के 2 ओम की वायर रख दूंगा। कितने की? 2 ओम की। ये तो कितना था? 2 ओम, और ये था 4 ओम। ये टोटल कितना आया? 4 + 2 + 2 8 ओम। क्या आया? 8 ओम। वेरी गुड गाइस। ठीक है ऐसे ही कीप इट अप। चलिए अब बच्चों आपके कोई भी डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हो, एंड आपका ये चैप्टर यहाँ पे होता है खत्म। इलेक्ट्रिसिटी इज डन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैग्नेटिज्म इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा स्ट्रेच्ड होगा ठीक है, क्योंकि उसके अंदर मैं वन शॉट में मैग्नेटिज्म पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि सारी चीजें हट चुकी है ठीक है। और आपको पता भी है एसी मोटर डीसी मोटर ये सब तो होता नहीं है, तो ये सब होता नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो बेसिक बेसिक चीजें थी वही रखी हुई है। ओस्टेड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में से क्वेश्चन बनते हैं ठीक है, तो वो सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। चलो बच्चों किसको डाउट है? होस्टलर्स डीपीएसएम जल्दी से